नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक अफसोसनाक खबर गर्दिश कर रही है कि मारूफ जो फनकार हैं, गुलकार हैं साईं ज़हूर साहब, वो इंतकाल कर गए हैं लंदन में। तो क्या इस खबर में हकीकत है? क्या वाकईतन साईं ज़हूर का इंतकाल हो गया है? तो अपने सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये खबर बिल्कुल झूठ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है साईं ज़हूर की वफात के हवाले से, और वो बिल्कुल इस वक्त तंदुरुस्त हैं और सेहतमंद हैं। और इसके पीछे हुआ क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ मुख्तसरन कि साईं ज़हूर जो हैं वो इंग्लैंड गए हुए थे अपने कंसर्ट के सिलसिले में, और वहाँ पर दौरान कंसर्ट यानी परफॉर्म करने के दौरान ही वो बेहोश हो गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और इसकी वजह ये थी कि उनका शुगर लेवल जो है वो कम हो गया था, और इस वजह से दौरान परफॉर्मेंस जो है वो बेहोश हो गया। उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल दाखिल करवाया गया और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें गुज़श्ता रोज़ जो है बरोज़ हफ्ता डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, और वो वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड है, मौजूद है, जब उन्हें हस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। और इस वक्त जब ये खबर गर्दिश कर रही है, जब ये खबर वायरल है उनके इंतकाल की, तो वो लंदन के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वहाँ से वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो खबर गर्दिश कर रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि दौरान परफॉर्मेंस ही उनका इंतकाल हो गया है, तो ये बिल्कुल झूठ है। दौरान परफॉर्मेंस उनकी तबीयत खराब हुई थी और काफ़ी ख़राब हुई थी, और वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था गुज़श्ता रोज़, यानी हफ्ते को आज संडे है। तो इस वक्त जब यह खबर वायरल है तो वो लंदन के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ये जो खबर गर्दिश कर रही है इसमें कोई हकीकत नहीं है, और मैंने देखा है कि काफ़ी जो संजीदा लोग हैं और जो मीडिया के भी लोग हैं वो भी ये खबर शेयर कर रहे हैं और उस पर दुख का इजहार कर रहे हैं। सारी बातें, वो बहुत बड़े फनकार हैं तो सब जो है वो दुख का इजहार कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को खबर शेयर करने से पहले उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। और ये जो किसी की मौत की खबर होती है, ये इस तरह से जब उस शख्स को पता चलता है या उसके फैमिली को पता चलता है और फिर इर्द गिर्द के लोगों को पता चलता है जो उनके साथ रिश्तेदार हैं, जानने वाले, तो वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस ऐसी खबरों के लिए खुसूसी तौर पर जो शेयर करते हैं उनको कंफर्म करना चाहिए। तो वन लाइनर ये है कि मैं कंफर्म करके आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूँ कि साईं ज़हूर सेहतमंद हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करें।